हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज क्रैश कोर्स का 8वां भाग लेकर के उपस्थित हूं। आज केमिस्ट्री का नया टॉपिक है विटामिन्स। तो हम आज जानेंगे कि विटामिन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन। ये विटामिन क्या होता है? तो विटामिन्स जो होते हैं जटिल कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं जो शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करती है लेकिन कोशिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए, इंटरनल रूप से सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यह विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन की खोज जो है सो फंक ने किया था। विटामिन की खोज जो है वह फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो विटामिन की पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। विटामिन अत्यंत अत्यंत जटिल कार्बनिक नाइट्रोजनी जनी यौगिक होते हैं, या सूक्ष्म मात्रा में शरीर में आवश्यक होता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है लेकिन फिर भी यह जो है बहुत ही आवश्यक होता है। यह शरीर द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ पौधे और जंतु तैयार करते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है पौधे और जंतु के उत्पाद को खाकर शरीर में विटामिन की पूर्ति करता है। तो ये विटामिन्स जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, इसमें हम अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया। नंबर एक में जल में विलेय विटामिन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। दूसरा है वसा में विलेय विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक जल में विलेय विटामिन और दूसरा होता है वसा में विलेय विटामिन। तो जल में विलेय विटामिन क्या होता है? तो वैसे विटामिन जो जल में घुल जाता है, जल में विलेय विटामिन कहलाता है। लिख देते हैं, यहां पर नीचे से लिखते हैं, वैसे विटामिन जो जल में विलेय होता है, जल में विलेय विटामिन कहलाता है।
कहलाता है। वैसे विटामिन जो जल में विलय होता है, जल में विलय विटामिन कहलाता है। देखिए ये विटामिन जो है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। यानी एग्जाम्पल में लिखते हैं विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वह क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। यहां पर नीचे से लिख देंगे इसे इसे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसे जमा नहीं कर सकते हैं। इसकी अधिकता होने पर, इसकी अधिकता होने पर यह मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता, उत्सर्जित हो जाता है। अब देखिए कि यदि विटामिन बी और विटामिन सी की जरूरी है हमारे शरीर में 5 यूनिट, हम उसे खा लिए 10 यूनिट 15 यूनिट, तो हमारा शरीर को जितना विटामिन बी और विटामिन सी जरूरी होगा उतना ही वह जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। शेष बच गया विटामिन उसको पानी में तो घुल ही जाता है, तो उसको मूत्र द्वारा, पसीना द्वारा यह क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी को शरीर में जमा नहीं किया जा सकता। चलिए आप इसे लिखिए, अब हम आगे बताते हैं, उसके बाद विटामिन का डिजीज पढ़ाएंगे। चलिए दूसरा है वसा में विलय विटामिन। तो वैसे विटामिन जो वसा में विलय होता है, विलय होता है, वैसे विटामिन जो वसा में विलय होता है, वसा में विलय विटामिन कहलाता है, वसा में विलय विटामिन कहलाता है। यानी वैसे विटामिन जो वसा फैट में क्या हो जाए, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, वसा में विलय विटामिन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे विटामिन डी ए भी होगा, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये ऐसे विटामिन है जिसे शरीर में संचित किया जा सकता है, अर्थात ये वसा में विलय। लिख देंगे इस विटामिन को शरीर में संचित किया जा सकता है। इस विटामिन को क्या किया जा सकता है, शरीर में जमा भी किया जा सकता है। अर्थात विटामिन बी और सी हमें जमा इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन विटामिन ए डी ई के ये सब विटामिन है, इसे शरीर में जमा कर सकते हैं। इसे आप लिखिए, उसके बाद हम इससे होने वाले डिजीज और इसका रासायनिक नाम बताते हैं। चलिए अब जानते हैं विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत और उसकी कमी से होने वाला रोग। तो चलिए हम पहले जानते हैं, टॉपिक लिखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम।
और विटामिन का रासायनिक नाम स्रोत और उसके कमी से होने वाला रोग, ये आपका टॉपिक है। चलिए एक एक करके विटामिन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में जानते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके जानते हैं क्या। तो चलिए सबसे पहला है आपका विटामिन ए। कॉलम बना लेते हैं, इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ये याद रखेंगे। उसके बाद स्रोत, विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए हमें किस चीज में मिलती है? तो हरे पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां, मछली, गाजर, फल, दूध, अंडा, इत्यादि। तो ये जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है वो हम जानेंगे। तो विटामिन ए की कमी से सभी लोग जानते हैं आंखों की डिजीज होती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी कहते हैं। इसे रतौंधी रोग होने वाला रोग लिखेंगे, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो यानी विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग हुआ? रतौंधी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा इसमें होता है दुर्बलता यानी वीकनेस। ऐसे विटामिन शरीर में ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन यदि कमी हो गई तो यह दुर्बलता उत्पन्न करता है। उसके बाद यह जो है जेरोप्थैल्मिया, यह भी आंखों का रोग है। जेरोप्थैल्मिया या विटामिन ए की ही कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए के बारे में हम समझ लिए। चलिए अब जानेंगे विटामिन बी के बारे में, ये दूसरा है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। अब देखिए यह पाया कौन चीज में जाता है? तो विटामिन बी जो है पाया जाता है अनाज में आ जाएगा, चावल गेहूं सब आ जाएगा, सब्जी, यकृत, दूध, ईस्ट, पावरोटी, ये सब में जो है विटामिन बी पाया जाता है। अनाज में आपको चावल गेहूं मक्का सब आ जाएगा। चलिए उसके बाद है इसकी कमी से होने वाला रोग। तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी बड़ी, यानी इसको कहते हैं भूख न लगना, भूख
न लगना, यानी विटामिन बेरी बेरी, विटामिन बी के कमी से कौन सा डिजीज होता है, बेरी बेरी, जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। इसी में जो है डॉक्टर जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी कोसुल या क्वाडेक्स देता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें होता है, सब विटामिन होता है विटामिन बी। चलिए विटामिन सी की बात अब करते हैं, तीसरा नंबर विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो है कौन कौन से खट्टे पदार्थ यानी आंवला, आंवला, नींबू, संतरा, संतरा, खट्टे, खट्टे फल, सब्जी, सब्जी, सब्जियां, ये सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला है इस, हाँ इस कमी से डिजीज कौन सा होता है, इसके कमी से डिजीज होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी से। चलिए अब ये हो गया विटामिन ए बी सी, अब डी की ओर जोड़ बढ़ते हैं, चार में है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। यह पाया किस चीज में जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, मछली के तेल में, मछली के तेल में, मक्खन में भी पाया जाता है, मक्खन, मक्खन, दूध में भी यह जो विटामिन डी पाया जाता है। और इसकी कमी से होता है इस रिकेट्स रोग, इसकी कमी से जो होता है रिकेट्स, रिकेट्स रोग होता है जिसमें हड्डी जो होती है वह कमजोर हो जाता है। एक एक और रोग होता है ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोमेले सिया, ऑस्टोमेलेसिया, यह भी जिसमें हड्डी नरम हो जाती है, यह डिजीज होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, विटामिन पांचवा है ए बी सी डी ई, विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका नाम है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इस विटामिन ई का स्रोत है अंकुरित बीज, अंकुरित बीज, अंकुरित चना है, अंकुरित मटर है, मूंग है, इसको खाने से विटामिन ई की पूर्ति होती है, अंकुरित बीज होती है, उसके बाद दूध, दूध, सलाद, सलाद, इसमें जो है वह क्या होता है विटामिन ई पाया जाता है। चलिए इसके कमी से कौन सी रोग होती है इसे देखिए, या जो है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, उसके बाद पक्षघात, पक्षा
घात, पक्षाघात, उसके बाद तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, पक्षाघात, उसके बाद हो गया आपको हाँ बांध्यता, बांध्यता, बांध्यता यानी नपुंसकता विटामिन ई के कमी से होती है। चलिए अब समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। छठा विटामिन है विटामिन के, इसको फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। यह जो है यह किसमें पाया जाता है विटामिन के, शाग, हरी शाग, हरी साग सब्जी, दूध मक्खन, दूध मक्खन, यही सब में जो है सब विटामिन के पाया जाता है। इसके कमी से होता है रक्त का न जमना, इसको अंग्रेजी में कहते थ्रोम्बोनेमिया नामक डिजीज होता है जिसमें रक्त रक्त का न जमना, जमना थ्रोम्बोनेमिया इस रोग को कहते हैं, थ्रोम्बोनेमिया। ये तो ये हुआ विटामिन के की कमी से, लेकिन रक्त जो है कई कारणों से भी, प्लेटलेट्स की कमी से भी नहीं जमती है, या एक डिजीज है दात्र कोशिका, वह अनुवांशिक डिजीज है जिसको एक और डिजीज के नाम से जाना जाता है, रक्त थ्रोम सॉरी हीमोफिलिया डिजीज भी कहा जाता है जिसमें रक्त नहीं जमता है। तो चलिए ये हम जान लिए विटामिन ए बी सी डी ई के, इसमें से आपको एक या दो नंबर का पूछा जाता है, आप इसे देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, रासायनिक नाम और इसका डिजीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी का क्लासिफिकेशन बताते हैं। विटामिन बी के क्लासिफिकेशन करने से पहले हम आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहते हैं जिसकी सहायता से आप विटामिन ए बी सी डी ई के का जो है रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। आप तो जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन बी का क्या है, थायमीन, विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, विटामिन के का है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। इसका एक ट्रिक है आप लोग भी बता सकते हैं, देखिए विटामिन ए का रॉ, रॉ ले लेते हैं पहला, दूसरा है तो ले लेते हैं थ, क्या हो गया रथ, ए सी का हो गया ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का रथ का हुआ ए, और ये कैल्सीफेरॉल का क्या हो गया क, एक ए बी सी डी रथ एक। देखिए विटामिन ई का हो गया ट्र ट ट, आई विटामिन के का हो गया फ, देखिए हम फी बना देते हैं ई के, ई और के, इसी इस रथ एक टॉफी वाक्य अधूरा लगता है इसीलिए हम इसको है लगा देते हैं, वाक्य क्या हो गया पूरा हो गया। तो रथ से क्या हो गया रेटी रेटिनॉल, 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 रथ से क्या हो गया थायमीन, ए से क्या हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, रथ ए क से हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ट से क्या हो गया टोकोफेरॉल,
टोकोफेरॉल। फी से क्या हो गया, फाइलो क्यूनॉन, फाइलो क्विनोन, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। रथ एक टॉफी है, इस ट्रिक द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे डिलीट करते हैं, आप इसे लिखिए। चलिए अब हम जानते हैं विटामिन वी का वर्गीकरण, विटामिन बी का वर्गीकरण, विटामिन बी का वर्गीकरण। तो विटामिन बी जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। विटामिन विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर नहीं होता है, B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12, B9 और B12, ये इतने भागों में विटामिन बी को वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए हम एक-एक करके उसका नाम, उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग, उसके कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत जानते हैं। चलिए विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन वही जो हम विटामिन बी एम बताए हैं वही विटामिन बी वन होता है। तो चलिए विटामिन एक एक करके जानते हैं। विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन जो हुआ आपका, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम विटामिन बी का थायमीन ही होगा, THIMINE, थायमीन। और इसके स्रोत, स्रोत और उसके बाद इसके कमी, इसके होने वाले रोग लिखा देते हैं, इससे इसके स्रोत हो जाएंगे अनाज, अनाज, फल, सब्जी, दूध, इत्यादि। और इसके कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी, बेरी बेरी, इसमें भूख नहीं लगता है, बेरी बेरी में हाथ पैर फूलने लगती। चलिए ये तो हम पहले ही बता ही चुके हैं पीछे। चलिए दूसरा है विटामिन, विटामिन MIN, विटामिन B2। विटामिन बी को टू का जो है रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन, राइबो फ्लोविन। यह जो है सब पाया जाता है हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, यकृत ईस्ट इत्यादि, ये सब जो है क्या होता है, पाया जाता है। इसमें विटामिन B2 की कमी से होता है फंटोफोबिया रोग, ये पहला विटामिन की कमी से, ये दूसरा है फंटोफोबिया, फंटोफोबिया क्या होता है, यह जो होता है आंख जो है जब कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता, फंटोफोबिया डिजीज में जो होता है कम प्रकाश में नहीं दिखाई देना, कम ऐसे रतौंधी में भी कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, कम प्रकाश में ना दिखाई देना, ना दिखाई देना, ये इसी डिजीज को जो है
फैंटोफोबिया कहा जाता है। चलिए अगर आगे है विटामिन बी थ्री, तीसरा है बी थ्री, विटामिन बी थ्री को जो है पेंटोथेनिक एसिड इसको कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। यह जो है दूध टमाटर गोभी, दूध टमाटर गोभी आलू, मीठे आलू, इसमें जो है यह पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है बाल का सफेद होना, यानी विटामिन बी थ्री की कमी जो है बाल का सफेद होना। इस रोग को कहते हैं बर्निंग फिट डिफिशियंसी भी कहा जाता है। चलिए आगे है विटामिन बी वन टू थ्री, बी फोर नहीं होता वहां पर देख लीजिए। आगे है विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव जो है नियासिन, इसको रासायनिक नाम है नियासिन। यह जो है पाया जाता है मांस, विटामिन बी फाइव जो है मांस, यकृत दूध चाय कॉफी गेहूं इत्यादि है, ये सब में जो है क्या पाया जाता है विटामिन बी फाइव पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है प्लेगरा पेचिस या अनिद्रा, यानी नींद नहीं आती है इस रोग में। विटामिन बी फाइव कंप्लीट, फाइव में है विटामिन बी सिक्स का जो है पाइरीडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है पाइरीडॉक्सिन। यह कौन सी में पाया जाता है ये देखना है, मांस अनाज दूध हरी सब्जियां। तो ये सब में जो सब विटामिन बी सिक्स पाया जाता है। चलिए इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वह है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। उसके बाद चर्म रोग, रक्त शून्यता, इतिस। ये सब जो है डिजीज होते हैं। अब है छठा है विटामिन बी7, इसको जो है बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। यह जो है सो पाया जाता है मांस, यकृत, फल, सब्जियां, दूध, ये सब कॉमन हो गया ना, व्रीक। और इसकी विटामिन बी सेवन की कमी से भी होता है पेशी में दर्द होना, भूख ना लगना, पेशी में दर्द होना, भूख न लगना, रक्त शून्यता,
रक्त शून्यता, इतना यह डिजीज विटामिन बी सेवन की कमी से होती है। चलिए विटामिन बी नाइन पर आइए, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन जो है इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन बी नाइन को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। यह पाया जाता है हरी सब्जियां में पाया जाता है, फल यकृत अंडा वृक्क दूध इत्यादि। इसमें ये जो है पाया जाता है, इसकी कमी से जो होता है रक्त शून्यता, इसे रक्त शून्यता होता है, रक्त शून्यता या ल्यूकोपेनिया डिजीज भी कहते हैं। चलिए आठवां है विटामिन बी बारह। इसको जो है साइनोकोबालामिन बोला जाता है। साइनोकोबालामिन या कोबाल्ट में पाया जाता है। साइनोकोबालामिन जो है या कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट में जो है पूछा भी जाता है कि यह कौन सी में पाया जाता है? कोबाल्ट में। यह यकृत से भी प्राप्त किया जा सकता है, मांस जो खाते हैं वह यकृत से प्राप्त कर सकते हैं इसे। इसकी कमी से जो है वह होता है परनिशियस एनीमिया रोग होती है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो ये था विटामिन बी का क्लासिफिकेशन, इसके रासायनिक नाम है, इसके स्रोत हैं और इसके कमी से होने वाले रोग हैं। तो चलिए इसको आप लिखिए और इसको रासायनिक नाम याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करेंगे, इसके रासायनिक नाम देखिए। विटामिन पहले जान लीजिए कौन कौन है। विटामिन B1, B2, B3 1, 2, 3, 4 नहीं है, उसका 5, 6, 7 तीन शुरू में एक गैप फिर तीन, उसके बाद 9 और 12 याद रखिए। तो सबसे पहला क्या है? थायमिन। इसमें से हम थ ले लेते, इसको हम थायमिन लिख सकते हैं, थायमिन। दूसरा है राइबो फ्लोविन, तीसरा है पेंटोथेनिक आम्ल, उसके बाद है नियासीन, उसके बाद क्या है पाइरीडॉक्सीन, उसके बाद क्या है बायोटीन, उसके बाद क्या है फोलिक आम्ल, उसके बाद क्या है साइनोकोबालामिन। चलिए इससे हम बनाते हैं ट्रिक। सबसे पहला क्या है? थायमिन। तो थ ले लिए, थो ले लेते हैं रा, तो क्या हो गया थोरा, ये हो गया। इसमें प लेते हैं नी लेते हैं, तो क्या हो गया पानी, बना देते हैं थोड़ा पानी, पर माने पाइरीडॉक्सिन हो जाएगा, पर बफोसी, तो बसा, या इसे ऐसे याद रखेंगे बसा है, ये ट्रिक बन गया। और विटामिन बी नाइन का अलग से याद कर लेंगे, देखेंगे
इसमें देखिए विटामिन B1, B2, B3, B4 ये हो गया टोटल B5, B6 गलती हो गया, विटामिन B1, B2, B3, B5 विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B12 और 9 का अलग से आप लोग याद कर लेंगे। देखिए थो ये हुआ किसका, विटामिन बी वन का थायमीन होगा ना, थायमीन थोरा, ये विटामिन किसका बी टू का, ये हो गया राइबो फ्लोविन, विटामिन बी थ्री का कितना पा पेंटे पेंटा पेंटोथोनिक एसिड पेंटाथोनिक अम्ल, उसका विटामिन बी फाइव का नीन है ये हो गया नियासिन, फाइव के बाद विटामिन बी सिक्स है, सिक्स का क्या पर का मतलब हुआ पाइरीडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का क्या हो जाएगा बॉ से क्या हो गया बायोटीन। देखिए विटामिन बी नाइन का यहाँ पर सेटेबल नहीं हो रहा है, विटामिन बी बारह याद कर लीजिए, विटामिन बी बारह क्या है सा से क्या हो गया साइनो कोबालामिन, अब विटामिन बी नाइन अलग से याद कर लेंगे फोलिक अम्ल, याद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आज का क्लास को खत्म करना चाहेंगे, आप लोग इसे लिख लेंगे याद करेंगे और आगे अब क्या कहें, आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें याद करते रहें, वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें शेयर करते रहें जी, धन्यवाद, जय हिंद।